नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ नवजोत कौर जी हैं जो बचपन से डेरा सच्चा सौदा में आ रही हैं। इनके साथ सीधी बातचीत करते हैं कि इनका क्या कहना है डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिंसा के बारे में। नवजोत जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। बचपन से आ रही है मैम डेरा सच्चा, बचपन से आ रही हूँ। कितना विश्वास करते हैं मैम? बहुत ज़्यादा, अपने माता पिता से ज़्यादा यहाँ पे विश्वास है। क्यों विश्वास करते हैं? आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया जो आज भी आप गुरु जी के ऊपर विश्वास करती हैं? ज़िंदगी में बहुत बदलाव आए हैं, बहुत सारे क्रिश्मे भी हुए हैं मेरे साथ। मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, मतलब उनका ना बाइक थी ना, वो हम छोटे से डब्बे जो होता है ना, छोटा सा वो मतलब कोल्ड ड्रिंक वाला डब्बा बाइक, उसमें पैक करके लेके आए थे। लेकिन जो सारे कह रहे थे कि ये बचा नहीं होगा, लेकिन मेरे पापा को सिर्फ एक पैर पे चोट लगी थी, बाकी वो बिल्कुल सही सलामत करके आए थे। ये आपकी आस्था है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए समाज के बारे में, समाज के लिए गुरुजी ने क्या किया? समाज के लिए बहुत, 134 मानवता भलाई के काम चल रहे हैं, सफाई माँ अभियान चल रहा है, ब्लड डोनेशन में, इसलिए तो ट्रू ब्लड पंप कहा जाता है ना इन्हें, जो मर्जी ब्लड डोनेट करते हैं, हर 3 महीने के बाद सारे ब्लड डोनेट करते हैं। बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, कितने ज़्यादा स्वच्छ भारत अभियान में कितने ज़्यादा दे रहे हैं, और स्किन बैंक में कितना चल रहा है, बस यही। और 134 मानवता भलाई के काम है हमारे यहाँ पे। 3-4 सालों से गुरुजी समाज में नहीं है, आप क्या प्रभाव पड़ रहे हैं समाज में? समाज पे प्रभाव, वैसे तो लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन जो पक्के हैं, जो लगे हुए हैं, जिन्हें यकीन है, उनको, उन पर कोई बार बार बाका नहीं कर सकता उनका। तो क्या आपको लगता है समाज को गुरुजी की ज़रूरत है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है समाज। आप देख ही रहे हैं गुरुजी नहीं है, कितना समाज में कितनी बुराइयाँ हो रही हैं, और दिल्ली में भी कितना कुछ हो रहा है, बस ये बहुत ज़रूरत है वैसे समाज को। दूसरी तरफ अगर हम बात की जाए मीडिया की, मीडिया में काफ़ी अलग प्रचार किया जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, मीडिया में बहुत गलत प्रचार किया जा रहा है, लेकिन अब मीडिया की भी सच्चाई सामने आ रही है। बहुत लोग समझ रहे हैं, जैसे दिल्ली में किसान बैठे हैं, बैठे कुछ है, दिखा टीवी में कुछ रहे हैं, अभी वो भी कह रहे हैं कि मीडिया झूठी है। तो इसी से हमें मीडिया झूठी है, पहले भी झूठी थी। जो भी आश्रम के बारे में दिखाया जा रहा था, यहाँ के बारे में, लड़कियों के बारे में दिखाया जा रहा था, क्या वो तो बिल्कुल ही झूठ था ना यार। बचपन से यहाँ पे आ रही हूँ, मैंने तो आज तक ऐसा देखा नहीं। जिनने देखा है फिर लाओ सबूत, लाओ फिर मान जाएंगे। क्या आपको लगता है आज गुरुजी की समाज को जरूरत है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गुरुजी की समाज को। जो आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं उनके बारे में? वो सब झूठे आरोप हैं उनके ऊपर, जो भी आरोप लगे यार, कौन ऐसे कर सकता है? इतनी दुनिया कोई पागल तो नहीं है जो 7 करोड़ की संगत उनके पीछे लगी है? कोई पागल तो हो नहीं है। क्या अपील करोगे आप सरकार से? हम सरकार से यही अपील करते हैं कि हमारे गुरु जी को जल्दी से जल्दी हमारे बीच भेजा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार अपील की जा रही है कि संत जी जल्द से जल्द समाज में वापस आने चाहिए। लगातार डिमांड बढ़ रही है संत डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिंसा के लिए। आप लोग भी खुले दिमाग से सोच के अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट टाइम, सच का साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।